नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। मोजाम्बिक के बाद दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जैकब जुमा से करेंगे मुलाकात, 10,000 भारतीयों को भी करेंगे संबोधित। अमेरिका के टेक्सास में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर बरसाई गोलियां, 4 पुलिसकर्मियों की मौत, कई घायल, 2 अश्वेत के मारे जाने के विरोध में किया जा रहा था प्रदर्शन। इराक की राजधानी बगदाद में शिया दरगाह पर आत्मघाती हमला, 30 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल, आईएसआईएस ने ली हमले की जिम्मेदारी। सऊदी अरब के मदीना धमाकों में बड़ी कार्रवाई, 12 पाक नागरिकों समेत 19 आरोपी गिरफ्तार, आईएसआईएस ने ली थी हमले की जिम्मेदारी। अमेरिका की ओर से प्रतिबंध लगाने पर भड़का उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, अमेरिका के खिलाफ की युद्ध की घोषणा, कहा पाबंदी लगाकर अमेरिका ने किया ऐलान जंग, देंगे करारा जवाब। ब्रिटेन में दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनना तय, प्रधानमंत्री पद की दौड़ में गृह मंत्री थेरेसा मे और ऊर्जा मंत्री आंद्रिया लिट्सम के बीच कड़ा मुकाबला, 9 सितंबर को होगी नतीजों की घोषणा। चीन के शिनजियांग में भूस्खलन का कहर, 35 लोगों की मौत, कई घायल, बिजली और दूरसंचार सेवाएं ठप। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।